असंगठित क्षेत्र है इस देश के तमाम श्रम शक्ति का 93% केवल 7% ऑर्गेनाइज सेक्टर है, उसी में गवर्नमेंट एम्प्लॉयज भी आते हैं। उनके लिए तो सरकार सेवन पे कमीशन बना देना, बेसिक पे उनका 18,000 रुपये, भत्ते मिला करके 24-25,000 रुपये बनते हैं महीने के। तो काम क्या करते हैं, दिन भर में एक रुपये इधर से उधर, एक आधे लाख पानी मिलाता है चम्मच से। दूसरी तरफ पत्थर खदान, ईंट के भट्ठे, मकान बनाना, सड़क बनाना, तो सारा अनऑर्गेनाइज लेबर, खेत मजदूर, इतना कठोर उसका श्रम है। और वो 47.5 करोड़ लोग देश में बंधुआ मजदूर की कोटी में जी रहे, जो कि मिनिमम वेज उनके लिए जो तय किया वो नहीं मिल रहा। ऐसी हालत में मैं समझ नहीं पाया कि कैसे इन्होंने डिसमिस कर दिया, क्योंकि मैं मांग कुछ अपनी तरफ से नहीं कर रहा था, मैं कह रहा था आपके अपने फैसले। पिछले 10-12 फैसले मैंने कोर्ट किए अपने पिटिशन में, आपके फैसले कह रहे हैं कि वही वेतन मिलना चाहिए जो ऑर्गेनाइज सेक्टर को मिल रहा है, तो आप अपने फैसले लागू क्यों नहीं करा पा रहे हैं? हमारे केस में, बंधुआ मुक्ति मोर्चा के केस में 35 साल पहले जस्टिस पीएन भगवती का फैसला था कि जिसको न्यूनतम मजदूरी नहीं मिल रही वो बंधुआ मजदूर है, मतलब फंडामेंटल राइट का वायलेशन हो रहा। लेकिन तो सुनना भी नहीं चाहते, एकदम तत्काल से कह दिया, अथॉरिटीज के पास जाइए, अथॉरिटीज के साथ हम कई बार जाते हैं। न्यायाधीश ने आपको क्या बोला कि किसके पास अपने अपील रखेंगे? अथॉरिटीज के पास कह रहे हैं।